अयोध्या के नव्य दिव्य भव्य मंदिर में रामलला विराजमान हो गए हैं और आज सदियों का जो सपना है वो पूरा हो गया। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो भजन है वो गाए जा रहे हैं। पिछले कई सालों से ये महिलाएं यहाँ पर राम नाम का जो भजन है वो गाती हैं। पहले आपको एक भजन सुनवा देता हूँ और उसके बाद इनसे बात करूँगा कि कब से ये भजन चल रहा है, कहाँ कहाँ से, किस किस इलाके से ये महिलाएँ यहाँ पर आती हैं। आप कौन सा भजन सुनाएंगी आज? अम्मा मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे भाग। अच्छा, झोपड़ी के भाग तो खुल गए हैं। खुल गए। अच्छा, सुना दीजिए। ऐसी खुशी में भी ये भजन है जी। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ए मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ए राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, ये भजन मैंने आपको सुनवा दिया। अब इन महिलाओं से मैं बात कर लेता हूँ। अम्मा जी, आपसे जानना चाहूँगा, कितने टाइम से राम नाम का भजन कर रही हैं? राम, प्रभु राम का दरबार है, सीता मैया हैं, हनुमान जी हैं, दरबार के नीचे बैठे हैं, कितने सालों से यहाँ पर भजन कर रहे हैं? मैं ना 35-36 साल से मंदिर आ रही हूँ डेली, और यहाँ पे सब जो हमारी सत्संग मंडली है वो इतनी अच्छी है, राम के रंग में रंगी रहती है। आज के शब्द जानना चाहूँ, रामलला विराजमान हो गए, आज रामलला विराजमान, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं है। मैं फूली नहीं समाती और पूरा भारत तर्षी फूला नहीं समा रहा है। और जो मंदिर भगवान का बना है, योगी मोदी ने बनवाया है, और जो कार सेवक थे उन्हें, जो सपूत हमारे देश के जिन्होंने बलिदान दिया मंदिर के ऊपर, उन सपूतों को मंदिर बना के उसे श्रद्धांजलि अर्पित करी गई है और सनातन धर्म का झंडा स्वर्यु पर फहराया गया है। जय श्री राम। राम मंदिर बनने में बहुत खुशी हुई है, इतनी खुशी हुई है कि बता नहीं सकते। सारी सत्संग मंडली हमारे राम में रंग रही है। रंग क्या रही है? पूरा मंदिर, पूरा देश राम में हो रहा है, पूरा देश राम में हो रहा है। अम्मा जी, आपके भी भाव जानना चाहूंगा। मैं भी क्या कह रहा, मंदिर में खूब आती हूँ और क्या कह रहा, भजन करती हूँ, अपने राम लला का नाम लेती हूँ। और क्या कह रहा, जो जिन्होंने जो फैसला सुनाया 5 जजों ने, उनकी भी क्या कह रहा आशीर्वाद है उनको भी, सबको मेरी तरफ से। और क्या कह रहा, जज की भी सबकी जय जयकार होवे। अच्छा, एक सपना पूरा हुआ, ये सपना मेरा पूरा हुआ है। और क्या कह रहा, जय जयकार, जय उसकी, जय राम। अच्छा माँ जी, आप अभी एक बात कह रही थी कि जैसे स्वर्ग में पहुंच गए हो।
हाँ बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे हम स्वर्ग में पहुंच गए और हम तो राम के पास पहुंच गए, ऐसा लगता है। हमारा तो मन ये करता है कि अभी से हम अयोध्या पहुंच जाए रामलला के दर्शन करने के लिए, लेकिन मोदी जी ने मना कर दिया। अब ये जो भगवान राम का मंदिर इतनी सजावट इतनी खुशी, वो कलयुग में त्रेता युग से हमें नजर आ रहा है अपने राम के लिए। अच्छा, त्रेता युग नजर आ रहा है, माजी तो वास्तव में त्रेता युग नजर आ रहा है। भगवान ऐसे लग रहे हैं जैसे अभी अभी हमारे घर में आके बैठे और मन भाव विभोर हो रहा है। योगी जी मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारे रामलला को विराजमान किया। अच्छा, रामलला को विराजमान किया है। कुछ और महिलाएं भी है पीछे, एक बार उनसे भी बात कर लेता हूँ और उनसे भी जान लेता हूँ। जी क्या लग रहा है आज? आज बहुत अच्छा लग रहा है, राम मंदिर का दृश्य बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं जी आपसे जानना चाहूँगा, कब से इंतजार था, इंतजार खत्म हो गया? 500 साल से इंतजार था भैया, भगवान आज अयोध्या में बिल्कुल राम राज्य आ गया, पूरे देश में राम राज्य आ गया। भगवान जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जय श्री राम के जो जयकारे हैं वो यहाँ पर गुंजायमान है और पूरा माहौल किस तरीके से भक्ति में नजर आ रहा है। देखिए महिलाएं किस तरीके से यहाँ पर झूमती नाचती गाती आपको नजर आ जाएंगी। ये वो उत्साह है, ये वो उल्लास है जिसका पिछले कई सालों से जो बेसब्री से इंतज़ार था वो आज इंतज़ार खत्म हो गया। जब ये लम्हा आया, जैसे ही रामलीला अयोध्या में विराजमान हुए, तो उसके बाद आप देखिए जय श्री राम के जयकारे किस तरीके से यहाँ पर गूंज रहे हैं, किस तरीके से जो उत्साह है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप ये देखिए, आपसे भी जानना चाहूँगा, आज रामलला विराजमान हो गए? हाँ जी, आज रामलला हम अयोध्या में विराजमान हो गए हैं और बहुत खुशी हल्लास का मतलब उल्लास का टाइम है और पूरे भारत को बधाई है, बहुत 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 बधाई है। आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई। जय श्री राम। तो देखिए ये उत्साह वाकई देखने वाला है और खाली मेरठ के हरिद्वारी महादेव मंदिर में ही नहीं बल्कि पूरे देश में इसी तरीके से हर्षोल्लास के साथ जो माहौल है वो दिखाई दे रहा है और ये श्री राम की जो गूंज है वो आकाश तक जा रही है। सनुज शर्मा, ABP लाइव मेरठ।